यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर अपनी बुक्स को खोल लिया है, आप सफा नंबर 3 पे अपनी किताबें जो हैं वो खोल लें, ठीक है? गुड, पीस विद यू ऑल, फाइन। अभी आप सारे जो हैं अपनी 4 क्लास की जो बुक है वो सफा नंबर 13 पे आप खोलेंगे, ठीक है? आप लोग खोलें। उतनी देर तक मैंने जो आपको पढ़ाना है ये मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है कि आज हम लोगों ने क्या काम करना है, ठीक है? सफा नंबर 13, ठीक है? और जब तक आप किताबें खोल रहे हैं, आपने किताब को खोलना है लेकिन आपने गौर से मेरी बात को सुनना है, स्क्रीन पे देखना है, पहले समझना है और उसके बाद जो है वो हम काम आगे करेंगे, ठीक है? अगर आप सबने बुक्स खोलनी है अपनी सफा नंबर 13 पे, तो आप सारे जो हैं चैट बॉक्स में आके मुझे बता दें कि आप लोग खोल चुके हैं अपनी किताबें जो हैं सफा नंबर 13 पे, ताकि हम आगे जो है वो काम को शुरू कर सकें। ओके, शाबाश, ठीक हो गया। सफा नंबर 16 पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारे पास आज लिखा हुआ है वावेन, ठीक है? वावेन लगाना, ठीक है? जैसे हम उर्दू इंग्लिश में लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास, जो किसी खास अबारत जो है उससे हमने की एक जो है इक्तबाज, कोई चीज चुनी हुई है, उसको चुनना है, कोई खास पैराग्राफ हमने मुंतखिब करना है, तो हम उसके शुरू और आखिर में जो है जो कि जरूरी चीजें होती हैं उनके शुरू और आखिर में जो है जरूरी जो पैराग्राफ होता है उसके शुरू और आखिर में हम जो है वो वावेन का निशान लगाते हैं, ठीक है? वो शुरू इस तरह से होता है, ठीक है? ये देखें, इन्वर्टेड जैसे हमारे कॉमास होते हैं, शुरू इस तरह से होता है, जब हम इस साइड पे लगाते हैं तो हम इसको इस वाली शक्ल में लिखते हैं, ठीक है? लेकिन जब भी हम इसको बंद करते हैं तो ये जो इसका निशान है वो बदल जाता है, ठीक है? इस तरह से आ जाता है, ठीक है? तो हम मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे वावेन की जो है वो तारीफ लिखी है, ताकि आप लोग समझ लें। इसको आपने कॉपी पे या कहीं लिखना नहीं है, इसको जहन नशीन करना है, ठीक है? तो आप गौर से इसको देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। वावेन है जब किसी का कौल बयान करना, ठीक है? जब कोई बड़ा आलिम है या कोई बड़ा शख्स है जो है वो आलम फिका है, कोई भी जो अपना कॉल है वो बयान करता है, उसका कॉल हमने बयान करना है, और या किसी अबारत से कोई हमने इक्तबास दर्ज करना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने कोई पैराग्राफ लिया है और हमने उस पैराग्राफ को जो है उसको हमने अहमियत देनी है, उस पैराग्राफ को हमने जो है बताना है कि ये खास पैराग्राफ है इस वाले सफ़े में से, तो हम उसके दोनों तरफ जो है वो वावेन का निशान लगाएंगे, ठीक है? दर्ज करना हो तो इसके शुरू और आखिर में लगने वाले निशान को हम क्या कहते हैं? वावेन कहते हैं, ठीक है? वावेन कहा जाता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक मिसाल मैंने दी है, जैसे कि कायदे आजम ने फरमाया काम काम और काम, ठीक है? ये बहुत अहम बात है। कायदे आजम हमारे जो थे वो पाकिस्तान के बानी हैं, हमारे लीडर थे, तो उन्होंने फरमाया था काम काम और काम, ठीक है? तो ये जो इसको हमने जो है वो वावेन लगाया है, क्योंकि ये एक उन्होंने खास उनका कॉल है और उन्होंने जो है वो एक अहम बात की है, ठीक है? अगर आप सबको ये समझ आ गया है तो हम जो है दोबारा से मैं इसको जो है दोहरा देती हूँ कि जब किसी का कॉल बयान करना हो या किसी अबारत से कोई हमने कोई पैराग्राफ जो है वो चुनना हो, दर्ज करना हो, जो कि अहमियत का हामिल हो, तो इसके शुरू और आखिर में लगने वाले निशान को हम क्या कहते हैं? वावेन कहा जाता है। जैसे कि कायदे आजम रहमतुल्ला ने फरमाया काम काम और काम, ठीक है? अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप जो है बेटा इसको समझ आ गया है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस, ठीक है? ताकि हम आगे जो है काम को स्टार्ट करें, ठीक है? आप लोगों ने एक दूसरे से बेटा बात नहीं करनी है, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है? आप में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं करनी है,
टीचर की बात को गौर से सुनना है, क्योंकि अभी मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, आप क्लास में नहीं है जहां मैं बार बार आपको जो है ब्लैक बोर्ड के थ्रू लिख के समझा सकती हूँ, लेकिन मैंने उसको पेज पे लिखा था, नोट एक लिखा था जिसमें उसकी तारीफ लिखी हुई थी कि वावेन जो है वो कैसे हम लगाते हैं या किस पैराग्राफ पे या किस जगह पे लगाते हैं। ठीक है, अभी आप लोग अपनी किताबें खोल लेंगे सफा नंबर 13 पे। ठीक है, और सफा नंबर 13 पे अभी आपने कुछ नहीं करना है, अपनी अपनी उंगली जो है आपने रखनी है लफ्जों के ऊपर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वावेन। ठीक है, ये देखिए वावेन के निशान लगे हुए हैं, जब हम इबारत के शुरू में लगाते हैं या कॉल के शुरू में लगाते हैं और फिर हम उसको बंद करते हैं। ठीक है, और आखिर में जब लगाते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है किसी की कही हुई बात को लिखते वक्त उसके शुरू और आखिर में वावेन के निशान लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि नानी जान ने कहा, नानी जान ने कहा, आपको पता है कि बुजुर्ग जो होते हैं आपके वो हमेशा जो है वो अच्छी बात करते हैं, आपको अच्छी बात की तरगीब देते हैं। तो जैसे नानी जान ने कहा, बेटा दिल लगा कर पढ़ो, बेटा दिल लगा कर पढ़ो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको जो है हमने यहाँ शुरू में कॉमा लगा दिए हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, नानी जान ने साथ में ये कहा कि बेटा दिल लगाकर पढ़ो और साथ ही इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, दूसरी उन्होंने जुमले में बताया है। ठीक है, तो आखिर में भी हमने कॉमा लगा के इसको बंद किया है और शुरू में भी हमने कॉमा लगाए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और जरूरी जगहों पर हमने वावेन लगानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी और आपने अपना जो है दिमाग लगाने की कोशिश करनी है कि कहाँ पे हम वावेन लगा सकते हैं और कहाँ नहीं। ठीक है, गौर से सुनना है। ठीक है, ये कहानी उन्होंने बयान की हुई है, इसलिए आप सबने गौर से सुनना है कि सब परिंदे और जानवर परेशान थे, इनका बादशाह जो बीमार था। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, बाज ने सबको बताया, साथियों हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन क्यों, मिट्टू ने पूछा। बाज ने कहा, दोस्त बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जल जाओ, जल्दी से डॉक्टर बगले को बुला कर लाओ। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा। मिट्ठू ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। सारे जानवर दुआएं करने लगे। ठीक है, अब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ हम वावेन को लगा सकते हैं, वावेन के निशान जो है शुरू और आखिर में। लेकिन वावेन के निशान के साथ ही एक और निशान जो है वो इसके अंदर आ रहा है बार बार। ठीक है, एक तो हमने फुल स्टॉप का जो हम खत्मा का निशान लगाते हैं, इसको हम उर्दू में खत्मा का निशान बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके आया साथियों, ये एक निशान लगा हुआ है, इंग्लिश में तो शायद आपको इसका पता हो, उर्दू में भी टीचर ने आपको बताया हो, लेकिन आप लोगों को दोबारा से जो है आपके जहन नशीन आपके रिवाइज हो जाए, आपकी धुराई हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको जो है ये जो है इसकी भी मैंने थोड़ी सी तारीफ लिखी हुई है ताकि आप लोग उसको अच्छे से, आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये दूसरा निशान जो हमारी इबारत में आ रहा है ये किस चीज का है। ये निदाया का निशान है, इसको भी आपने कहीं नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसको ज़हन-नशीन करना है, निदाया का निशान है। ये देखें, जब जुमले में हम किसी को मुखातिब करते हैं, ठीक है, मुखातिब किया जाए, हैरत या जज्बात का इजहार किया जाए, तो इसके आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। यानी जुमले में जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, किसी से बात करते हैं और हम जो हैरत का या खुशी का इजहार करते हैं, जिस बात का इजहार करते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, तो उस टाइम जो है हम ये निशान जो है लगाते हैं, जैसे कि हमने इस इबारत के अंदर लगाया। उन्होंने कहाँ लगाया है, जब बाज ने सब साथियों को बताया, उसने अपने जज्बात का इजहार किया, साथियों हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा वो दुख के इजहार कर रहा है कि हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और उसके बाद जब दूसरी जगह पे हमने कहा कि बाज ने कहा, दोस्त बादशाह को बहुत तेज
बुखार है कि बादशाह को तेज बुखार है, और ये भी यहाँ पे उसने अपनी जो है जज्बात का इजहार किया है, उनको बता रहा है, उनको इत्तला दे रहा है कि बादशाह बहुत बीमार है, तो इसलिए यहाँ भी हमने जो है वो निदाया का निशान जो है वो लगाया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप सारे जो है वो चैट बॉक्स में मुझे यस का जो है आंसर करें। शाबाश, मैं देख रही हूँ सारे गौर से सुन रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड गुड, ठीक हो गया। ठीक है, अब आप सबने जो है वो अपनी अपनी पेंसिल, सबसे पहले तो आप ही ऊपर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे तारीख लगाई है आज की, ठीक है, पीर 8 जून 2020। ठीक है, आप लोग भी जो है वो इसके ऊपर अपनी बुक के अपनी किताब के ऊपर जो है वो तारीख लगा लें, ताकि जो है आपको पता हो कि इस दिन हमने ये काम किया था और हमारा ये काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, पीर 8 जून 2020 आप सारे जो है अपनी किताबों के ऊपर जो है वो निशान लगा लें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ पे हमने कॉमास को लगाना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमने कॉमास लगाने हैं, जो आपके वावैन हैं शुरू और आखिर में कहाँ कहाँ लगाने हैं। सब परिंदे और जानवर परेशान थे, इनका बादशाह जो बीमार था। बाज ने सबको बताया, साथियों हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है। अब आप देखें, बाज सबको बता रहा है, ठीक है, जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं, अहम बात क्या वो बता रहा है कि हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, तो हमने जो है इसके ऊपर वावैन लगानी है शुरू में, और खराब है यहाँ तक हम वावैन का निशान जो है आखिर में लगाएंगे और इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, परिंदे और जानवर परेशान थे, इनका बादशाह जो बीमार था। बाज ने सबको बताया, साथियों हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है। हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, हमारे से हम शुरू करेंगे, वावैन का निशान शुरू में लगाएंगे और आखिर में बहुत खराब है, यहाँ पे भी हम वावैन का निशान लगाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन क्यों, मिट्टू ने पूछा। ठीक है, लेकिन क्यों, मिट्टू ने पूछा है, ये भी वावैन में आएगा। ठीक है, लेकिन क्यों, मिट्टू ने पूछा। ठीक है, यहाँ पे भी आप वावैन लगाएंगे, शुरू में भी और आखिर में भी वावैन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, बाज ने कहा, बाज ने अब जवाब दिया है कि दोस्त बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर बगले को बुलाकर लाओ। अब ये सारा जो है यहाँ से आएगा, वावैन का निशान हम शुरू में लगाएंगे। बाज ने कहा, दोस्त बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर बगले को बुलाकर लाओ। यहाँ तक हम जो है वावैन के निशान को जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा, मिट्टू ने कहा। ठीक है, यहाँ तक आपने लगा लिया है, डॉक्टर बगले को बुलाकर लाओ, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा, मिट्टू ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। ठीक है, अब मिट्टू ने जब कहा अच्छा मैं जाता हूँ, तो अच्छा मैं जाता हूँ में भी हम वावैन के निशान लगाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ, यहाँ में भी हम वावैन का निशान लगाएंगे शुरू में और आखिर में, और सारे जानवर दुआएं करने लगे। ठीक है, और सारे जानवर दुआएं करने लगे, यहाँ यहाँ पे हमारे जो हैं जो हमारा जो पैराग्राफ है, इसमें हमने जो है वावैन के निशान लगाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा किसी की कही हुई बात को लिखते वक्त। ठीक है, अब देखें, हमने आपने गौर किया कि सब परिंदे और जानवर परेशान थे। मैं शुरू से आप लोगों के लिए दोबारा से इसको जो है वो वजाहत कर देती हूँ कि सब परिंदे और जानवर परेशान थे, इनका बादशाह जो बीमार था। बाज ने सबको बताया, अब देखो साथियों, बाज ने अपनी बात को कहा है, तुम
तो वहां पे हमने वावैन के निशान लगाए हैं शुरू में, हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, ठीक है, और हमने उसको वहां पे वावैन के निशान को बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन क्यों, मिट्टू ने पूछा, ठीक है, अब फिर कही हुई बात है मिट्टू की, मिट्टू ने पूछा, ठीक है, तो हमने उसको जो है वहां पे भी हमने वावैन के निशान लगाए। बाज ने कहा, दोस्त बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर बगले को बुलाकर लाओ। तो बाज ने जब कहा कि दोस्त, बाज ने जब अपनी बात कही तो उसने कहा दोस्त बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर बगले को बुलाकर लाओ। तो यहाँ पे भी हमने कॉमास वावैन लगाई है शुरू में और आखिर में भी जुमले की हमने वावैन को लगाया है, ठीक है। उसके बाद है, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा, मिट्टू ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, सारे जानवर दुआएं करने लगे, अच्छा मैं जाता हूँ, वहां पर भी हमने वावैन के निशान जो है वो लगाए हैं, ठीक है। तो अगर आप सबने इस पैराग्राफ को कर लिया है अपनी बुक्स के ऊपर, सबका डन हो गया है, तो आप सारे जो है अपने चैट बॉक्स में मुझे जो है बताएं कि आप इसको कर चुके हैं, ताकि हम जो है अगला जो है काम वो मैं आपको शुरू करवा सकूं, ठीक है। ठीक हो गया, शाबाश, ठीक हो गया। ठीक हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने सारे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे चैट बॉक्स में नजर आ रहा है, बच्चों ने जो है वो काम कर लिया है और वो मुझे जो है वो रिप्लाई भी कर रहे हैं कि हम काम कर चुके हैं, यस का आंसर मेरे पास आ रहा है, शाबाश। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसी पैराग्राफ में जहां हमने वावैन किया है, इसके नीचे ही आपको जो है वो एक निशान नजर आ रहा है, उन्होंने लिखा हुआ है इस्तफामिया या सवालिया, ठीक है। सवालिया तो आप अभी तक सुनते आए हैं, बहुत दफा आपने सुना होगा कि सवालिया निशान, ठीक है, सवालिया निशान। लेकिन आज एक नया जो लफ्ज है वो शायद आप में से बहुत से बच्चों ने इस्तफामिया भी सुना हो, ठीक है, इस्तफामिया लफ्ज भी बहुत सारे बच्चों ने सुना हो और बहुत से बच्चों ने ना सुना हो, तो सवालिया निशान को हम इस्तफामिया निशान भी कहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि सवालिया निशान या इस्तफामिया निशान जो है कहाँ लगाया जाता है, ठीक है, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है, आपको पता है जब हमने किसी से कोई सवाल पूछना हो या किसी चीज के बारे में हमने जानना हो तो जुमले के आखिर में ये अलामत जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे अम्मी ने पूछा आज क्या पकाऊं, ठीक है, अम्मी ने पूछा आज क्या पकाऊं, शाबाश, अम्मी ने पूछा आज क्या पकाऊं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो अम्मी पूछ रही है आप कहाँ जा रहे, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आप जब कोई काम कर रहे हो तो आपसे पूछा जाए आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने जो है चार जुमले जो हैं वो आप लोगों के लिए सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए यहाँ पे मैंने जो लिखे थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हरूफे इस्तफामिया या सवालिया, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप सबको नजर आ रहा है, आपका नाम क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मेरी किताब कहाँ है, ठीक है, आपका नाम क्या है, आपने सवाल पूछा किसी से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप इजाजत ले रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद है मेरी किताब कहाँ है, ये भी सवाल है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, उसे कमी से पूछ रहे हो, बहन भाइयों से पूछ रहे हो। उसके बाद है आपका मिजाज कैसा है, यानी कि आप कैसे हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है, तो आपका मिजाज कैसा है, ठीक है। ये आपने बेटा कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये जुमले जो है यहाँ पे लिखे हैं, ये सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए कि आप किस तरह से इस्तफामिया या सवालिया जुमले लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास किताब में उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला लिखा हुआ है कि आज क्या पकाऊं, ठीक है, आज क्या पकाऊं, अम्मी ने पूछा आज क्या पकाऊं, इसलिए ये मैंने चार जुमले अलग से लिखे हैं कि आपको पता चले कि हम और भी किस तरह से जुमले बना सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आगे उन्होंने जो आपका कॉपी वर्क है अब आपने गौर से सुनना है,
कि आपने जो कॉपी वर्क, अपनी कॉपी पे जो काम करना है वो क्या करना है, आपने देखा है, मैंने आपको आसानी के लिए आपके होमवर्क यहीं पे लिख दिया। अब आपने बुक पकड़ी हुई है, आपके हाथ में आपकी किताब है, आप उसके ऊपर होमवर्क लिख लें, ठीक है। डेट आज की लगी हुई है, आपको पता है कि 8 जून को टीचर ने हमें ये होमवर्क दिया था, उसमें आपने देखे अपनी कॉपी में चंद सवालिया जुमले लिखकर ये अलामत इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वो जुमले जो है वो आप 5 जुमले लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चंद सवालिया जुमले जो है वो आप लोग 5 जुमले जो है वो अपनी कॉपी में जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे आपने काम करना है, आज की जो है तारीख लिखें, डेट लगाएं, उसके बाद हाशिया लगाएं और साफ सुथरी राइटिंग में, लिखाई में आपने इस्तफामिया या सवालिया लिखे, तो आपने इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है, आपने 5 जुमले जो हैं वो अपनी कॉपी में लिख के उसके ऊपर सवालिया निशान की अलामत लगाने हैं। उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सारे जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देख रहे होंगे आपके, मैंने यहीं पे किताब के ऊपर ही साथ आपको लिख दिया है कि वावैन लगाने की भी मश्क करें, ठीक है। मुख्तलिफ जो आपकी किताबें हैं या अपनी ही आपकी जो किताब है उसमें पढ़कर कोई एक पैराग्राफ लेके आप उसको देखें, उसमें आपको जो अहम चीजें लग रही हैं, किसी की कही हुई बात है या आपको किसी का कॉल पता है या अहम चीजें लग रही हैं, आप उन पे वावैन लगाने की कोशिश करें, किसी की कही हुई बात, ठीक है, किसी की कही हुई बात। और उसके बाद हमने एक और निशान के बारे में भी आज पढ़ा, जो कि नदाया का निशान है, जो कि हम हैरत या अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो हम जो है उस निशान को लगाते हैं, ठीक है। आपने बेटा एक दूसरे से बात नहीं करनी है चैट बॉक्स में, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, गौर से सुनना है। और अभी आपको समझ जा गया है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है कि आपने काम क्या करना है, आपने सवाल, आपने वावैन लगाने की मश्क करनी है, इसके अलावा आपने 5 जुमले जो हैं सवालिया जुमले अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं, ठीक है। ये आपका काम हो गया, आज का हमने जो काम था वो हो गया। और मुझे मैं जो है चाहती हूँ कि अभी हमारे पास टाइम है तो आप सब जो है कुछ बच्चे या जो जितने भी बच्चे हैं, अगर उन्होंने उर्दू ए की कॉपी अपने पास रखी हुई है तो वो मुझे दिखाएं अपने अपने कैमरा में कि उन्होंने अभी तक मैंने जो आपको काम करवाया है, उफ मेरे दांत की हमने पढ़ाई की थी, इमला के अल्फाज किए थे और इसके अलावा हमने सवाल जवाब किए थे, जुमले किए थे, अल्फाज मानी भी किए थे, तो मुझे दिखाएं कि आप लोगों ने ये काम किया है अपनी कॉपीज पे या नहीं किया है, ठीक है। शो मी योर कॉपीज, शाबाश। जैसे हम क्लास में आपकी मैं कॉपीज पहले निकलवाती हूँ ना, उसी तरह से मुझे कॉपी दिखाएं जरा, शाबाश। कुछ बच्चे दिखा रहे हैं उन्होंने किया हुआ काम, वेरी गुड, यस मिशेल, वेरी गुड, गुड सारा, राइना, हैव यू डन। कुछ बच्चों की तरफ से अभी भी मुझे किताबें जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, हां जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं, जेरल भी दिखा रही हैं, शाबाश, वेरी गुड जी, साइमन भी दिखा रहे हैं, शाबाश, हाँ जी, आयशा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने किया उन सब के लिए वेरी गुड। बुनीता, हैव यू डन, बुनीता, सबने बेटा करना है। अगर आप अपना फर्स्ट वीक का वर्क जो है आपका छूट जाएगा, कुछ बच जाएगा, रह जाएगा, तो आपका काम जो है इसी तरह से जो है वो आपका काम जो है वो मिस होता जाएगा, ठीक है। तो सबने जो है डेली रोज के रोज जो भी टीचर आपको काम करवाएगी सबने रोज के रोज करना है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आप सबने। अभी मैं आपको अभी हमने ये तो कर लिया है लेकिन कल हमने जो काम करना है वो मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखाना चाहती हूँ, तो आप लोग जो है इसको जो है एक नजर देख लेंगे। कल जो हमने काम करना है किताबों पर तबसरा, ठीक है, आप सब देख सकते हैं सफा नंबर 14। तो ये हो सकता है जब आप पढ़ें इसको देखें तो आपको बहुत मुश्किल लगे लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो आप बेटा इसकी एक दफा पढ़ाई करिएगा और इसमें जो है, ठीक है बेटा, जिसका काम नहीं हुआ है वो कोशिश करे कि अपना काम जो है वो वक्त पर कंप्लीट करे। चैट बॉक्स में कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं, ठीक है,
तो बेटा आपने कोशिश करनी है कि आप करें जी। सेरिना ने कह रही है वेरी गुड शाबाश, सेरिना कह रही है कि मैं इसको पहले ही पढ़ चुकी हूँ, शाबाश वेरी गुड। तो जो लोग ने नहीं पढ़ा है वो एक दफा इसको पढ़ेंगे, फिर हम इस पर तबसरा करेंगे, किताबों पर तबसरा कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ना है, और अगर आप जब पहले से पढ़ लोगे तो फिर आप सवाल भी कर सकते हो कि टीचर इसमें ये चीज क्या है और ये क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने होमवर्क के साथ, बावेन की मश्क के साथ आपने सफा नंबर 14 की भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, कि किताबों पर तबसरा कैसे किया जाता है, ठीक है। शाबाश वेरी गुड, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। और किताबें पढ़ना जो है आपको पता है, 3 क्लास में जब जो बच्चे मेरे पास थे उनको पता है, हम ये एक्टिविटी करते थे कि जब कभी आप फ्री होते तो हम बुक्स जो है कहानियों की किताब में आपको लाइब्रेरी से ला के हम उसको पढ़ते थे, बच्चे भी लेके आते थे घर से, ठीक है, हम उसकी रीडिंग करते थे, और उसकी पढ़ाई करने से आपको बहुत से फायदे हासिल होते हैं। तो आपने ये जो किताबों पर तबसरा है इसकी आपने पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। अभी आपका टाइम जो है वो क्लास जो है वो आपकी फिनिश होने वाली है, तो आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, स्टे होम स्टे ब्लेस्ड और गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सबने अपना काम जो है वो वक्त पर मुकम्मल करना है, ठीक है। तो कल आपसे दोबारा जो है वो आपकी क्लास में जो है वो मुलाकात होगी, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप में से कोई बच्चा, मुझे पता आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि जिस तरह यहाँ किताब पे तबसरा लिखा है, इसी तरह से अगर उसने कोई किताब पढ़ी है कहानियों की और वो इसी तरह से अपने अगर उसको समझ आए इसको पढ़ने से और वो तबसरा लिख सके, तो वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करेगा कि मैंने तबसरा लिखा हुआ है, और फिर हम वो तबसरा जो है वो आप, मैं देखूंगी कि कैसे आपने उस तबसरे को किया हुआ है, ठीक है। अभी आपने फिलहाल इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है।
हाँ।